हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ केले की एक डिफरेंट और डिलीशियस रेसिपी। देख सकते हैं आप ये रेसिपी कितनी अच्छी दिख रही है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कच्चे केले लिए हैं। केलों को पहले से अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं यहाँ पर तीन लोगों के लिए बना रही हूँ, दो केले में तीन से चार लोग खा सकते हैं। केले पे सबसे पहले मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ कट करने से पहले, ताकि इसके पीसेस एक साइज के बने, देखने में अच्छे लगे। दूसरे केले को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ऐसे निशान लगा के कट करने से क्या होता है, पीसेस एक साइज के बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अब इसका छिलका उतार लेंगे हम। छिलका उतारने के बाद इसको ऐसे लंबा लंबा काटेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे पीसेस में काट लेंगे इसको। केलों को हमने काट लिया है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे काटने से सारे पीसेस एक साइज के हैं और एक जैसे दिख रहे हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक बेसन का बैटर रेडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल में दो कटोरी बेसन लिया है, चने का बेसन है ये। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका अच्छा बैटर बनाएंगे। जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं ना, वैसा ही बैटर तैयार करेंगे इसके लिए। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स गांठ वगैरह ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन से बनने वाली कोई भी रेसिपी हो, हम जितना अच्छा बेसन को फेटेंगे हमारी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। देखिए बिल्कुल इतना गाढ़ा बैटर रखना है हमको, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, पतला घोल नहीं करना, इतना मोटा ही हमको घोल रखना है। घोल हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक केले का पीस लेंगे और बेसन में लपेट के ऑयल में डालते जाएंगे। एक एक पीस को लेना है, बेसन में अच्छे से कोट करना है, जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं सेम उसी प्रोसेस में एक एक केले को डालते जाएंगे। एक बार में जितने पीस आ जाए उतना हम ऑयल में डालेंगे। उसके बाद मैं इसको पलट ले रही हूँ एक स्पून की हेल्प से। देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और ये अच्छे से हो गए। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं ये, क्योंकि बेसन को हमने बहुत अच्छे से फेटा था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये केले फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इनके पीसेस पतले पतले होते हैं। देखिए पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जो हमारे सेकेंड बैच का है बचा हुआ केला, उसे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ना कितने अच्छे फूले फूले बने हुए हैं। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के जो बचा हुआ ऑयल है जितना हमको चाहिए, उसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल रहे हैं, जिसमें है तेजपत्ता, जीरा, 5 काली मिर्च है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 छोटी इलायची है। इसे हम अच्छे से चटकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये सब अच्छे से चटक गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बारीक काट लिया था, 4 हरी मिर्च को बीच से ऐसे कट लगा के टक लिया था, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन को कूट के रखा था मैंने, आप चाहे तो इसकी जगह पे लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तीन चार मिनट हो गए हैं। देखिए प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च सब अच्छे से भुन गए हैं, सबका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं,
1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम मसालों में ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की टमाटर की प्यूरी बना के रख ली थी, उसे डाल देंगे और सारे मसालों को लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब देख सकते हैं मसाला धीरे धीरे किनारों से ऑयल छोड़ रहा है, अच्छे से भुन रहा है। 2-3 मिनट और इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। जितना ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तीन मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जिस हिसाब से ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें। अगर आपको चावल से खाना है तो थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रखें, अगर रोटी से खाना है तो थोड़ी कम भी ग्रेवी चलेगी। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें अच्छा उबाल आने देंगे। देखिए 5-7 मिनट हो गया है, मसालों में अच्छा उबाल आ रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छे से खोल रहा है। इसे बीच बीच में चलाते हुए ऐसे ही पकने देंगे। मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें जो हमने केले फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखिए केले कैसे तैर रहे हैं ग्रेवी के ऊपर, आप समझ सकते हैं कितने फ्लफी बने हैं। फ्रेंड्स, ये केले की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, पूड़ी, पराठे, राइस, सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे मेन बात, बहुत कम समय में बन के रेडी हो जाती है। इसमें ना केला उबालने का झंझट है, ना मसलने का झंझट है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के रेडी होती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी इसका स्वाद ज़बरदस्त होता है। सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से पक गई है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। देखिए पकौड़े भी ग्रेवी के साथ अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल के और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। वाह, देख सकते हैं ना कितना अच्छा दिख रहा है, देख के ही मुंह में पानी आने लगता है ये सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। रेसिपी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ देखें तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कब बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।